हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और आज एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आज रिव्यू करने वाली हूँ मैं कॉटन मलमल साड़ीज को, और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिसकी रिक्वेस्ट की है मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर मनीषा ने। मनीषा मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, शायद ये मुझे भी एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती थी कि मैं भी पहन के देखूँ कि इस तरह की कॉटन मलमल साड़ीज़ कैसी लगती हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने फर्स्ट टाइम एक हैंडलूम साड़ी को ट्राई किया और सच में इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और आज मैं ये जो साड़ी पहन के बैठी हूँ, एक कॉटन मलमल साड़ी है जिसको मैं रिव्यू करने वाली हूँ। यहाँ पर जितनी भी मेरी ऑडियंस प्लस साइज और मिड साइज वाली है, उन सबको बताना चाहूँगी कि यार डू ट्राई दिस साड़ी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैब्रिक है, एक तो एब्जॉर्बेंट है, गर्मियों के लिए परफेक्ट है, और जितना मैं जानती हूँ शायद मनीषा वर्किंग है, तो मनीषा आपके लिए परफेक्ट साड़ी है। इस साड़ी का ड्रेप बहुत अच्छा है, परफेक्टली आपकी प्लेट्स बन जाती हैं, कहीं हिलती नहीं है। और जहाँ तक बात है अगर आपका लोअर बेली जो आपका एब्डोमेन है अगर वो थोड़ा हैवी है तो पल्ले को आप खोल सकते हैं, नहीं तो आप उसको प्लेट्स भी बना के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि देखो इसका फैब्रिक आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की साड़ी होगी। बहुत ही वंडरफुल सी साड़ी है, मैंने इसे मीशो से परचेज़ किया इस साड़ी को, और अगर आप भी लेना चाहें तो कोड मैं स्क्रीन पर भी आपको आ रहा होगा, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बट इसके अलावा भी दस वैरायटी ऑफ कॉटन मलमल साड़ीज ऑन वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस, यू कैन चेक आउट। तो आप में से भी जिनको थोड़ा सा भी डाउट है ना इस तरीके की साड़ीज जो नहीं ट्राई करते हैं, यार आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपको जरूर फॉलो करने पड़ेंगे इफ यू आर प्लस साइज और मिड साइज, और वो जितने भी टिप्स है वो ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने हैंडलूम साड़ीज को आपको बताया था कि क्या टिप्स हमें उसमें दिमाग में रखने चाहिए। तो वही सेम टिप्स आप अपनी इन साड़ीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी साड़ी स्टाइल किया था एक क्रॉप टॉप के साथ, तो आप में से भी जो लोग इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करना चाहें ना, या क्रॉप टॉप्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अलग अलग तरीकों के क्रॉप टॉप्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, प्लस ब्रीदेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। झंझट नहीं होता कि टेलर ने कैसा सिला है आपका ब्लाउज और कैसा नहीं सिला है, आपके एवरीडे वेयर के लिए बहुत परफेक्ट है। और अगर आप वर्किंग हैं तो यार बहुत ज़्यादा अल्टीमेट रहेगी आपकी ये परचेज। तो मेरी तरफ से मनीषा इसके लिए ग्रीन सिग्नल है, गो फॉर इट। खासकर इसके अंदर जो इंडिगो प्रिंट्स आते हैं ना यार, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई एम गोइंग टू ऑर्डर वन इंडिगो साड़ी फॉर मी इन कॉटन मलमल मटेरियल। इसके साथ अगर आप जंग ज्वेलरी स्टाइल करेंगे ना यार, बहुत बढ़िया। कानों में आप इस तरीके से झुमकीज पहन सकते हैं। मेरा फेस ब्रॉड है और उसके मेरे फेस पे ना झुमकाज बहुत अच्छे लगते हैं, तो यू कैन ऑल्सो गो विद अ झुमकाज। और आपको अपनी साड़ीज के साथ स्टाइल करने के लिए जंग ज्वेलरी या किसी भी तरीके की ज्वेलरी जो है वो मेरे बिजनेस पेज पर अवेलेबल हो सकती है। इस वक्त आपके सामने मेरे दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहे हैं, वन इज माई नॉर्मल अकाउंट एंड अदर वन इज माई बिजनेस अकाउंट। तो आपने अभी तक नहीं फॉलो किया था यार, जल्दी से फॉलो कर लो ताकि आपका जो शॉपिंग एफर्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। सो गाइज, अगर आज की वीडियो और रिव्यू पसंद आ गया हो तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर नए हैं और रीयूज कंटेंट को पसंद करते हैं या फिर इसी तरीके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।